बलिया जिले के लिए अच्छी खबर। आसमा सोशल संस्था के प्रयास से आपके जिले में न्यूरो सर्जन डॉक्टर का आगमन हो चुका है। जी हां, अब हर संडे यानी हर रविवार को बहेरी स्थित कटहल नाले के पास सिटी कार्ड के नीचे न्यूरो पेशेंट हर रविवार को डॉक्टर से मिलकर किफायती शुल्क में अपना इलाज करा सकते हैं। जी हां, लोगों की सहूलियत को देखते हुए आसमा सोशल संस्था ने बड़ा निर्णय लिया है। डॉक्टर नीरज शर्मा, मैं MBBS MS MCH न्यूरो सर्जन हूँ। मैं बनारस से आया हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी मेडिकल कॉलेज में। मैं यहाँ आसमा सोशल नर्सिंग होम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा हर संडे को मॉर्निंग 9 से लेके 12 बजे तक। एज ए न्यूरो सर्जन मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। कमर दर्द, सियाटिका का दर्द, गर्दन का दर्द सर्वाइकल जिसको कहते हैं, सर दर्द, चक्कर आना, मिर्गी का दौरा, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे NCV, EMG, नसों का जो जांच होता है उसकी भी सुविधा उपलब्ध करवाने वाले हैं। और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे एडवांस स्पाइन सर्जरीज भी शुरू करेंगे जिससे दूरबीन द्वारा स्पाइन सर्जरी की जाएगी और एडवांस ट्रीटमेंट जो न्यूरो सर्जरी में पॉसिबल है वो बलिया वाले जो वासी हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सर, देखा जाता है बलिया एक काफ़ी सबसे पहले आज़ादी होने वाला जिला है लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। तो क्या डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे जो आप इलाज करने जा रहे हैं कितना कारगर होगा, लोगों के लिए कितनी सहूलियत मिलने वाली है जिसके लिए दूर दराज लोग? बिल्कुल, हमने भी जब मालूम किया तो यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह उपलब्ध नहीं है और सुपर स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं है, तो हमारे आने का भी यही कारण है यहाँ के मरीज को बहुत ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। जहां तक कोशिश हो सके बलिया के रहने वाले लोगों को बलिया में ही इलाज उपलब्ध हो जाए, उचित किफायती इलाज, ठीक है, जिससे उनको बहुत दूर प्रदेश में ना जाना पड़े, अपने घर में रहकर इलाज कर सके। डॉक्टर साहब, न्यूरो पेशेंट के लक्षण क्या क्या आते हैं? आप अगर ऊपर से लेकर नीचे तक देखना चाहें तो हम ब्रेन और स्पाइन के सर्जन है, न्यूरो सर्जन का मतलब, तो ब्रेन से संबंधित जो लक्षण दिखेंगे वो आएंगे सर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, उल्टी आना, चक्कर आना, एक तरफ का लकवा मार देना, जवान का लड़खड़ाना। स्पाइन संबंधित गर्दन का दर्द, गर्दन की अकड़न, कमर का दर्द, कमर की अकड़न, हाथ पैरों में कमजोरी आना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, चलने उठने में तकलीफ होना, पेशाब टट्टी का कंट्रोल खो देना, ये सब एक कॉमन न्यूरो स्पाइन रिलेटेड समस्याएं हैं जिसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखा जा रहा है सर, आजकल युवाओं में काफी सर्वाइकल का लक्षण देखा जा रहा है, तो सर क्या इस मतलब क्यों ज्यादातर युवाओं में सर्वाइकल के लक्षण आ रहे हैं? क्या मोबाइल या बाइक या ऐसा कुछ? सिर्फ एक कारण, मोबाइल का इस्तेमाल। भगवान ने हमको जब इंसान बनाया बंदर से तो हमको चार पैर से दो पैर पे खड़ा किया, तो हमारे गर्दन को ऐसे रखने के लिए बोला है। हम जब गर्दन का मिसयूज करेंगे तो हमको सर्वाइकल के लक्षण आएंगे जो कि हमेशा हमको तकलीफ देते रहेंगे। उसके लिए इलाज संभव है लेकिन पॉसिबली मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और पोस्चर को, प्रॉपर पोस्चर जैसे बनना है हमारी बॉडी को वैसे मेंटेन किया जाए तो आप इस सब चीजों से बच सकते हैं। कैसे पेशेंट आज देखे डॉक्टर साहब आपके, किस टाइप के लक्षण मिले? हमने अपने हर वैरायटी का पेशेंट देखा है यहाँ पे। हमने मिर्गी के दौरे वाले पेशेंट देखे, सर दर्द वाले पेशेंट देखे, 2-3 स्पाइन के पेशेंट देखे जिनको शियाटिका का प्रॉब्लम था और डिस्क से नस दब रही थी, उनको MRI का भी एडवाइस किया गया है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या इसके घरेलू उपाय भी हैं? इसके घरेलू उपाय हैं, उपलब्ध है, जैसे कुछ कसरतें जो हम यहाँ सिखा देंगे, कुछ परहेज करना जो हम सिखा देंगे जिससे मरीज को फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और कुछ बीमारियों से वो अपने आजीवन बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका बॉडी अंग्रेजी दवा को भी सूट नहीं कर पाता है, काफी हार्ड होता है, तो सर उनके लिए क्या उपाय मिलता है? कुछ ऐसी मॉडर्न मेडिसिन आई है जो को आप एलोपैथिक मेडिसिन बोलेंगे लेकिन उनके मिनिमल रिएक्शंस होते हैं, तो ऐसी मेडिसिन भी उपलब्ध है। ज्यादातर तो जो दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं वो ओल्ड मेडिसिन है, अभी जो न्यू रिसर्च मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री होते हैं और मिनिमम पॉसिबल दवाई जो हो सकती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। जी डॉक्टर साहब, आसमा जो संस्था ये खुली है आम जन मानस के लिए काफी किफायतेमंद और कम रेटों पे इलाज के लिए उपलब्ध, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, हम बिल्कुल सपोर्ट करना चाहेंगे क्योंकि हम भी सोशल कॉज के लिए ही काम करना चाहते हैं। मोस्टली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग, प्लीज हमसे संपर्क करें, हम आपको एकदम किफायती रेट्स पे ठीक कर सकते हैं।